हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो आज आप लोग देख सकते हैं मैं सीधा कार में हूँ और आप लोगों को कहीं ले के चल रही हूँ। चलिए बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ। सो पीछे पड़ी है उसके पापा है और मैं यहाँ चूड़ी में मेरा हाथ कट गया। वो बार बार देख रही हूँ, पता नहीं चूड़ी पहनते पहनते जल्दी जल्दी में हाथ कट गया। और मैंने आज पहना हुआ पिंक कलर का साड़ी, बहुत लाइट वेटेड साड़ी है, बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले मैं ये बोलती हूँ, जो भी मुझे देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड पास में जो बेल आइकन होता है उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो हम लोग एकदम नहा वहा के निकल गए हैं और जा रहे हैं मंदिर। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कौन से मंदिर जा रहे हैं। और बहुत सुंदर सा मंदिर था, मैं गई बहुत दिनों से सुन रही थी और कभी गई नहीं थी। तो गई, मुझे इतना अच्छा लगा वो मंदिर, पूरा खुला खुला सा मंदिर है, बड़ा सा शिव जी का मंदिर, बहुत अच्छा लगा। और ये तो बानरहाट है, जो हम लोग का मार्केट बोल सकते हैं इसको। और मंदिर बहुत अंदर है, मतलब आपको जंगल के हो, जंगल बोले अब क्या बोला जाएगा उसको, थोड़ा बगान बगान होकर जाना पड़ता है। और ये हम लोग पहुंच गए मंदिर के तरफ और ये मंदिर थोड़ा नीचे की तरफ है तो वही मैं उतर रही हूँ। बड़गाछ पड़ता है और ये गणेश जी का मूर्ति है, कितना सुंदर सा। मैं तो आई नहीं थी ना, मैं पहली बार, ये नंदी जी। सो बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा स्पेस में है मंदिर। और देखिए नीचे में जाकर शिव जी है। तो ये मतलब शिव जी अलग टाइप का शिवलिंग है बोल सकते हैं, मतलब बड़ा सा एक पत्थर है। और मैं पहली बार आई हूँ तो मुझे ज्यादा पता नहीं इस जगह के बारे में, तो मैं बता भी नहीं पाऊंगी। और बस अब हम लोग नीचे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये रहा मंदिर में हम लोग आ गए हैं और जो भी है आगे तो मैं उतना दिखा नहीं पाई। हम लोग प्रणाम वगैरह किए और अच्छे से पड़ी, अंदर गई, घंटी वगैरह बजाई, अच्छा लगा। बट हमेशा कैप्चर करने के चक्कर में कोई कोई चीज़ नहीं हो पाता तो मैं थोड़ा स्किप कर देती हूँ जगह जगह। तो साइड में पंडित जी है जो पूजा करवा रहे हैं। और देखिए ये है शिवलिंग, अलग टाइप का शिवलिंग है यहाँ पे। और फर्स्ट टाइम आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है कि मंदिर इतनी अच्छी जगह पे और रजिस्टर्ड मंदिर है, यहाँ शादी होता है, बहुत सारा शादी होता है। तो आज के दिन एक भी शादी नहीं था तो अच्छा, वो लकीली नहीं था तो दर्शन आराम से हो गया। अगर शादी उदी होता तो शायद ये मंदिर फुल होता। सो परी तो बार बार ऊपर नीचे कर रही थी, उसको अच्छा लग रहा था, खेल रही थी। तो अच्छा लगता है कोई जगह जाइए खाली खाली हो और खेले। तो बस वो मुझे घंटी बजाते देखी तो उसको हुआ मम्मा मैं भी बजाऊंगी, तो वो नीचे आ रही थी कि मुझे घंटी बजाना है। और इस मंदिर का क्या होता है कि कभी कभी पानी फुल हो जाता है तो टूट भी जाता है, दीवार वगैरह टूट जाता है तो उसको फिर से बनाया जाता है। बहुत सारा स्टोरी है, मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड लोग जानते हैं, वो लोग बचपन से देखे हैं इस मंदिर को। और मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था और मुझे बहुत अच्छा लगा दर्शन करके आकर। और इतना सुंदर सा वेदर हो गया, हवा मुझे चुटी काट लिया पैर में, वो जो बड़ा वाला चुटी होता है काला वाला, इतना ज़्यादा पेन कर रहा था पैर में, पड़ी को लेकर डर रही थी कि कहीं उसको चुटी ना काट ले। बस जब पूजा वगैरह हो गया तब हम लोग बहुत देर यहाँ रुके आराम से, पड़ी खेल रही थी, मैं भी इंजॉय कर रही थी हवा को। और देख सकते हैं इतना सुंदर सुंदर पेड़ है। और ये पड़ी जगह जगह जाके भगवान जी लोगों को प्रणाम कर रही थी और कितने अच्छे से कर रही थी, मुझे उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और पहले ये गणेश जी का मंदिर, मतलब गणेश जी नहीं थे, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि गणेश जी नहीं थे, इनको अभी मतलब बनाया गया है या फिर स्थापित किया गया है बोल सकते हैं,
किया स्थापित किया गया है। और हवा तो इतना अच्छा चलने लगा, पूरा वेदर एकदम अच्छा वेदर था। ये देखिए, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा पीछे में जो मंदिर का झंडा वगैरह है कितने अच्छे से उड़ रहा है। तो बहुत अच्छा हवा था। तो बहुत देर हम लोग मंदिर में इधर उधर घूम रहे थे और पेड़ सब में पत्ता होना चाहिए, बट पंडित जी लोग बोल रहे थे कि इस सीजन में पत्ता पूरा उड़ जाता है, नहीं रहता है ऐसा कुछ। परी और उसके पापा इधर उधर दौड़ा दौड़ी कर रहे थे, खेल रहे थे वो लोग। और वेदर बिल्कुल क्लाउडी हो गया था, एकदम क्लाउडी। और पहाड़ के तरफ है ना, तो ये पेड़ बहुत मतलब पुराना पेड़ है, सुनते हैं कहानी सुनी हूँ मैं, बहुत पुराना पेड़ है और बहुत ज़्यादा फैला हुआ है चारों तरफ से। और मैं जितना दिखा सकी आप लोगों को कोशिश की दिखाने का। मंदिर बहुत अच्छी जगह पर है, बहुत ही शांत जगह पे, और जो लोग शादी वगैरह के लिए आते होंगे उनके लिए बहुत स्पेस है। और परी को देखिए, वो ऊपर चले गई है और मैं नीचे की तरफ हूँ, तो अब मैं भी जा रही हूँ ऊपर। अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर बहुत देर से मंदिर में हम लोग, परी खेल रही थी तो उसको खेलने दिया गया। और देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम खुला खुला है। और ये वाला वीडियो ली है पड़ी, पड़ी को पड़ी के हाथ में मोबाइल था तो कैमरा ऑन करके वो ली रही थी। तो बच्ची है देखिए, फिर भी कितने अच्छे से वो ली है। तो मैं वही सोच रही थी कि बिल्कुल सही से ली है, बट हाँ इतना भी कर लिया, अगर 3-4 साल का बच्चा तो बहुत है। और मैं इसीलिए इस वीडियो को डाल दी क्योंकि मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड के फेस में स्माइल देखे, वो खुश हो रहे थे, मतलब वो वीडियो ले रही थी तो उनको अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया कि मेरी बेटी फर्स्ट टाइम ली है कुछ वीडियो, तो अच्छा लगता ना, तो छोटा छोटा चीज़ में इंसान को खुशी मिलता है, मैं इसको भी डाल दी। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, बहुत लेट हो गया है। फटाफट सब पड़ी को बिठाऊंगी, मैं बैठूंगी और चलेंगे अब हम लोग। और ये देखिए कितना छोटा सा मतलब रास्ता है, इसी टाइप का रास्ता है, अंदर 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 हो कर आए। मैं फिर भी जब मंदिर जा रहे थे तब तो मैं रास्ता दिखाई नहीं, निकलने के टाइम में आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसा रास्ता था। और पड़ी तो पूरा एंजॉय कर रही है। और हम लोग घर जाएंगे, खाना खाने का टाइम हो गया है, खाना वाना खाएंगे। और बस अच्छा लगा दर्शन करके, फिर भगवान जी जब बुलाएंगे तो फिर जाएंगे।
और ये देखिए मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, बस यही मेरा जिंदगी, मेरा पूरा पूरा परिवार, संसार, जो बोल दीजिए, बस ये हम लोग तीनों लोग बहुत खुश रहते हैं, हमेशा घूमते फिरते हैं। भगवान करे, भगवान करे हमेशा ऐसे ही रहे, किसी का नज़र नहीं लगे और हमेशा खुश रहे और सब कोई खुश रहे। तो बस हम लोग घर आ गए हैं। अब मैं ड्रेस देख रही हूँ कि कौन सा ड्रेस चेंज करूँगी और ब्लॉग को भी अब एंड करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड पूरा भूख लगा हुआ है उनको, कि भूख लगाया खाना खाएंगे। तो बस अब मैं ब्लॉग को बंद एंड करूँगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज मैं मंदिर ले गई आप लोगों को, डेली जो कुकिंग करती हूँ, पड़ी को पढ़ाती हूँ, उससे कुछ अलग मैंने दिखाया। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। और दुर्गा पूजा में तो अभी बहुत सारा ऐसा ब्लॉग मिलेगा इसी तरीके का, जिसमें मैं कहीं गई हूँ, घूमी हूँ, खाई हूँ, पी हूँ, यही कुकिंग वगैरह करता हुआ नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।